बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो टैबू होती हैं, जिसके बारे में लोग बात शायद नहीं करना चाहते। 100 में से हम लोग अगर 50 लोग तक भी पहुंच पाए तो हम जीत गए हैं। एंड दैट्स व्हाट वी ट्राई टू कैटर टू दिस शो, एंड इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव स्टोरी, एंड लेट्स होप दैट पीपल अंडरस्टैंड इट। देखो, टीआरपी मेरे हाथ में नहीं है। जो मेरे हाथ में, मैं वो उस चीज को 100% करने की कोशिश करना मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। जितना लंबा समय तक एज एन एक्टर आप ब्रेक लेते हो, उतना ले ही बहुत बड़ी कहानी, ये कहावत है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई। कॉन्ग्रेचुलेशन आपके नए शो के लिए। मैंने प्रोमो देखा, मैं वेट कर रही थी प्रोमो का कि आपका कब आए। फाइनली मैंने प्रोमो देखा, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू सो शो का मच। कंसेप्ट और स्टोरी लाइन काफी डिफरेंट है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आपके रोल के बारे में और कंसेप्ट जो शो का है? ज्यादा रिवील ना करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि आई थिंक इट वाज टाइम दैट वी शोड टुडेज सिचुएशंस इन टेलीविजन। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो टैबू होती हैं, जिसके बारे में लोग बात शायद नहीं करना चाहते, लेकिन अवेयरनेस क्रिएट करना, अवेयरनेस पैदा करना और अवेयरनेस के बारे में लोगों को सोल्यूशन का पता देना, समझाना, ये बहुत जरूरी होता है। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट वी ट्राइंग टू डू विद दिस शो। द मेंटल सिचुएशंस टुडे, जितनी जानकारी हम लोगों को हर चीज के बारे में है ना, लाइफ में इंफॉर्मेशन इतनी आसानी से गूगल एक क्लिक पर आपको सब कुछ मिल जाता है। तो आई थिंक ऑन दैट बेसिस पीपल आर गेटिंग टू लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ माइंड मेंटल प्रॉब्लम्स, मेंटल इश्यूज, एंड टू फिगर दैट आउट, टू मेक पीपल अंडरस्टैंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई एम होपिंग कि इस शो के थ्रू, इस शो के तहत हम लोग उस चीज तक पहुंच पाए। एटलीस्ट 100 में से हम लोग अगर 50 लोग तक भी पहुंच पाए तो हम जीत गए हैं। एंड दैट्स व्हाट वी ट्राई टू कैटर टू दिस शो, एंड इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव स्टोरी, एंड लेट्स होप दैट पीपल अंडरस्टैंड इट एंड एक्सेप्ट इट एज मच एज वी वांट देम टू एक्सेप्ट इट। जैसे कि आपने कहा कि गूगल से आजकल बहुत सारी चीजें लोगों को पता चल रही है, तो शो के टीआरपी को लेकर भी आजकल प्रेशर बहुत बढ़ रहा है, तो आप इस शो को लेकर वो प्रेशर फील कर रहे हो? देखो, टीआरपी मेरे हाथ में नहीं है। जो मेरे हाथ में, मैं वो उस चीज को 100% करने की कोशिश करना मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। शो का आउटकम क्या होगा, अगर मैं 100% मेहनत करके अपना 100% देकर वापस आ सकूं, दिन में जाकर वापस घर पे बैठ सकूं, ये कह सकूं कि आज मैंने सब कुछ किया है जो मुझे करना चाहिए, और तब क्या होता है कि मुझे बाकी चीजों के बारे में प्रेशर नहीं समझ। देखो यार, मैं सिंपल पहली बार ये कह चुका हूँ बहुत बार कि टीआरपी और शो का रिजल्ट और ऑडियंस का प्यार, ऑडियंस का एक्सेप्टेंस, ये हम एक्टर्स के हाथ में नहीं होता। मुझे लगता है कि ना तो मेकर्स के हाथ में होता है, ये उनका रिस्पॉन्स है। कुछ कुछ चीजें बहुत अच्छी होती हैं लेकिन फिर भी अच्छा नहीं करती हैं, कुछ कुछ चीजें अच्छी नहीं होती हैं तब भी अच्छा कर जाती हैं। तो आई यू डोंट नो व्हाट विल वर्क, व्हाट विल नॉट वर्क। तो आई थिंक कि जो हमारे हित में है, जो हमारे हाथ में है, उस चीज को आप पूरी तरह से करने की कोशिश करो, उसमें आप 100% देने की कोशिश करो, बाकी रिजल्ट्स आई थिंक विल हैपन इनएविटेबल। बिलीव इन द प्रोसेस, रिजल्ट्स विल कम इन। एंड जो चीज आपके हाथ में नहीं है, जो कंट्रोल में नहीं है, उसको उसके बारे में सोचकर, उसके बारे में सर्च करके कोई मतलब नहीं है। तो आई डोंट थिंक अबाउट दिस एंड आई डोंट थिंक एनीबडी शुड। पीपल, जिसको सोचना है वो सोच ले, मैं नहीं सोचूंगा। फैंस ने आपको बहुत मिस किया और फाइनली आप आ गए हो टीवी पे, तो कितना अच्छा लग रहा है और उनको क्या कहना चाहोगे आप? बस यही कि जितना लंबा समय तक एज एन एक्टर आप ब्रेक लेते हो, उतना ले ही बहुत बड़ी कहानी, ये कहावत है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। पर टच वुड, मेरे साथ लकीली अब तक ऐसा नहीं हुआ है। एक चाह है इन लोगों के बीच, जो ये लोग चाहते हैं कि मैं काम करूं और मैं वापस आऊं स्क्रीन पे। प्लस बिकॉज आई एम नॉट अ सोशल मीडिया बफ, मैं ज़्यादा डालता नहीं हूँ सोशल मीडिया पे, तो इन लोगों का वो एक्सेप्टेंस, वो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहता है कि ये स्क्रीन पे कब आएगा वापस। एंड आई लाइक द फैक्ट दैट दैट इज हैपनिंग। तो मैं कहूँगा कि ये शो देखिएगा ज़रूर, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि इस शो में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आजकल हम सबको पता है लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि एक अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है, एंड वी ट्राइंग टू डू दैट विद द शो। एंड आई नो यू ऑल लव मी एंड यू नो आई लव यू, एंड देयर इज नथिंग मोर इन बिटवीन दिस। इट्स वेरी अनकंडीशनल एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव।